एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं उठ रही हूँ और दिशानी को बोला थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड का भी होल्डर आया नहीं है। और आयांस देखे बहुत टाइम से ना उठ के वो मेरे को मार रहा था, मुँह पर ही मारता है मुझे, और बोल रहा था उठो उठो, तो मैं उठ गई। और अभी ना 8 बज के पार हो गया, तो मैं 4 बजे उठी थी और उठकर फिर से सो गई 5 बजे। आयांस को सुलाते सुलाते ना मेरी आँखें लग जाती हैं। और अभी उठते हैं ना, सबसे पहले ना मैं मच्छरदानी हटा देती हूँ, क्योंकि बेड पे बैठने उठने को मिल जाता है, फिर बेड को थोड़ा सेट कर दूंगी। और इस वक्त ना आयांस मेरे अलावा और किसी के गोद में जाता नहीं है, और मुझे ना उतरने भी नहीं देता है बेड से। उसको लगता है मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तभी उसको लेकर ना मैं सबसे पहले बाहर जा रही हूँ। सुबह सुबह ना गाँव का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, और सूर्य की किरणें एकदम सामने मेरे दरवाजे पर आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा देर बैठना, सुबह का धूप लेना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? हाय, बहुत तेज हो गया ना ये, नहीं बोल बोल नहीं हो गया। अभी सुबह का ना 8 बजे पार हो गया है। अरे पर पता नहीं है कि नहीं है, मैंने तो यहाँ पर खाना बना रही। सुबह ना ये रेली का रेली 4 बजे उठ जाता है, और उठता है तो दूध बना के पिलाते हैं, फिर ना ये इसको खिलाते खिलाते ना मैं सो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये सो जाएगा ना, रोड के जाऊँगी, राउंड लगाऊंगी, वॉक करूँगी, थोड़ा घूमूंगी, लेकिन इसके साथ साथ तो मैं ही सो जाती हूँ। और कब 8 बजे तक पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि 8 बजे नहीं उठी, 8 बजे नहीं उठता। ये उठ के ना मेरे मुँह पर थपथप मार रहा है, तब मैं उठी। हमेशा खाना बना रही है, रोटी बना रही है, यहाँ पे बना रही है, गोभी फ्राई कर रही है, गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, और यहाँ पे मेथी का सब्जी बन के रेडी हो रहा है। भाजी, दाल चावल, दाल चावल, भुजिया, रोटी, भुजिया, क्या चाहिए तुम्हें? पता नहीं है कि नहीं, देखो वो वाले रूम में, पूजा वाले रूम में नहीं, तो फिर अब शाम को ले आएंगे नाना जी को खाना। मम्मी जूस बनाती है, रुक। सो गाइस, अभी ना 10:30 का टाइम हो गया है, और अभी मैं अपना नाश्ता लेकर आई हूँ। अभी आयांस को ना मालिश करके, उसको खिला पिला के मालिश करके, फिर उसके बाद उसको मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है। सो के उठेगा ना, फिर उसको मैं नहलाऊंगी। और लेट हो गया था, मुझे भूख लग गई है, तो मैं सोची चलो अभी हेयर वॉश करके मुझे नहाना है। रात को मैंने भर भर के ऑयल लगाया था, तो जब भी मुझे बाल धोना रहता है ना, तभी मैं हेयर वॉश करती हूँ। यहाँ का गोभी का टेस्ट इतना अच्छा ना, मनीषा ये वाला गोभी आलू की सब्जी बनाती है ना, मतलब ये सूखा भाजी है, लेकिन इसमें ना अदरक लहसुन को ऊपर से कूट के डाल दिया है। इसका रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी। और ये ना जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, आयांस पेट में था, तब मैं इधर आई थी ना, तब मुझे ये सब्जी इतना पसंद आया था ना, मैं मनीषा से ना यही सब्जी बनवाती थी हमेशा, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है। और ये है नेनुआ का भाजी, यहाँ पे घिवड़ा बोलते हैं लोग, घिवड़ा का सब्जी, दाल और रोटी। तो अभी मैं अपना नाश्ता कंप्लीट करूँगी। मुझे ना ब्लाउज की कटिंग करना है, कटिंग कर लूँगी तो धीरे धीरे ना स्टिच भी हो जाएगा। और मैं डेली 4 लीटर पानी का ना टारगेट लेके रखी हूँ, कि डेली मुझे 4 लीटर किसी भी तरह पानी पीना ही है। कल तो मैंने कंप्लीट किया था, और उसके पहले दिन मतलब 3 लीटर पिया था, कल 4 लीटर पिया था, और आज लग नहीं रहा है कि मैं 4 लीटर पी पाऊँगी, क्योंकि अभी देखिए 10:30 का टाइम हो गया है, और अभी तक मैंने 0.5 लीटर पानी भी कम्प्लीट नहीं किया है। अभी सुबह से ना बस इतना ही पानी पिया है, मैंने जूस पिया था आंवला और वही चुकंदर का। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 लीटर तो पीना ही है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, स्किन पे ग्लो लाना चाहते हो, तो फिर 3 लीटर पानी तो पीना ही है। सो गाइस, बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी ना दोपहर का 2:30 बज गया है, और अभी मैंने अपना लंच किया है, मतलब नहाने के बाद मैं लंच की। आजकल ना मतलब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि मैं लेट ही नहा रही हूँ, दोपहर के टाइम पे नहा रही हूँ। आयन सभी गया नानी के साथ घूमने, नहीं अभी ऊपर है, नानी तो गई है गेहूँ उठाने, क्योंकि यहाँ पे ना गेहूँ को धो के सुखा के फिर पिसवाते हैं। तो कुछ फ्रेंड का कमेंट आया है कि आपका इयररिंग्स कितने ग्राम का है, तो मेरा इयररिंग ना 13 ग्राम का है, और उसके हिसाब से आप प्राइस देख सकते हो। तो मेरा इयररिंग ना 13 ग्राम का है, और प्राइस मैं प्रॉपर प्राइस तो नहीं बताऊँगी, लेकिन समझ लो 1 लाख तक पड़ा।
और मेरा जो मंगलसूत्र था वो भी एक तोले का है, 10 ग्राम का है, वो 85 ऐसा मतलब पड़ गया था, क्योंकि मेकिंग चार्ज हर जगह का अलग अलग होता है और सब अभी गोल्ड का कितना रेट है ना बहुत ज़्यादा है। एक फ्रेंड ने ये बोला कि दीदी मनीषा का शादी होगा तो आप वीडियो कैसे डालोगी, अब तो बिजी रहोगी। तो मैं सच में बिजी रहूँगी, लेकिन जितना होगा ना उतना मैं ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगी, उसकी पूरी शादी की रस्में सब चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और हाँ, ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकती, जैसे मैं शूट करूँगी थोड़ा बहुत एडिट करके मैं डाल दिया करूँगी, जो भी होगा मतलब ओरिजिनल वॉइस में भी कुछ वीडियो आ सकता है, कुछ एडिटिंग भी आ सकता है। तो जैसे मुझे टाइम मिला वैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। और काजल के शादी ऐसे सिचुएशन में हुआ था ना, उस टाइम पे मैंने पूरा रस्म का मतलब जो भी रस्में होता है, जो भी रिचुअल्स होता है, सबका अलग अलग होता है, तो वो सब चीज़ें मैं उतना शेयर नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, मतलब कोरोना का टाइम था, उतना अच्छे से शादी उसका हुआ नहीं। लेकिन मनीषा का शादी ना घर से ही होने वाला है, तो एक तो ये चीज़ है कि चलो घर से होगा तो हर चीज़ें शूट कर लेंगे, और किसी किसी को मोबाइल दे के मैं शूट भी करा लूँगी, तो आप लोग टेंशन मत लो। हाँ, यही है कि वीडियो पता नहीं मैं टाइम पर अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बिजी रहूँगी, इसका है मतलब इसका इशू हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हाँ डेली एक वीडियो तो ज़रूर आए। फ्रेंड का कमेंट आया था कि होम टूर देने के लिए, मेरा घर यहाँ का इतना मैसी है ना कि क्या बोलूँ, मतलब अभी ना घर की मतलब दिवाली की साफ सफाई का काम चल रहा है, तो इसके लिए सारा सामान अस्त व्यस्त एकदम जैसे तैसे पड़ा हुआ है। और ये वाला जो घर है ना, इसको तो पूजा वाला रूम बोलते हैं हम लोग, इसमें मम्मी ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी की चीज़ें रखती है, और सब यहाँ पे ना ढक ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि इधर गांव में मतलब हमारे गांव में ना सबके घरों में आपको चींटी ज़रूर दिखाई देगा। चींटी इतना परेशान कर रखा है ना कि हर चीज़ में चींटी लग जा रहा है, हर चीज़ में, तो हर चीज़ को ना ढक के रखना पड़ता है, यहाँ तक कि चीनी का डब्बा हो गया, नमक का डब्बा हो गया, हर चीज़ में चींटी लग रहा है, दीवार पे चींटी चलते रहता है, कपड़े पे चींटी, मतलब मैं तो परेशान हो गई, यहाँ पे कपड़े पहनती हूँ ना ऊपर से छत पर से लेके आती हूँ सूखा हुआ कपड़ा, तो उसको देख के अच्छे से रखती हूँ, दृशानी को कपड़ा पहनाती हूँ, नहाती है तो या आयंस का पैंट चेंज करना रहता है, ड्रेस चेंज करना रहता है, कपड़े देख के मतलब चींटी देख के फिर मुझे पहनाना पड़ता है, नहीं तो बहुत चींटी है घर में। और इधर ना अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि पूरा पैक है ना, ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा रूम नहीं है, एक दो रूम है, ले बीच में आंगन टाइप का छोड़ा हुआ है। ये घर ना बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना घर है, मिट्टी के गिलावा का होता है ना घर, वो वाला है, इधर का तो नहीं, इधर तो सीमेंट वालों का है, उधर वाला घर सामने वाला जो है ना फ्रंट साइड से मिट्टी का गिलावा पड़ गया है, लाइट नहीं रहता है ना, पूरा अंधेरा रहता है। और किचन का भी ना मेकओवर करना है, तो पता नहीं कब टाइम मिलेगा, मनीषा ना पढ़ाई में लगी हुई है, क्योंकि उसको उसके पास भी टाइम नहीं है, और शादी जैसे कि छठ पूजा होगा ना उसके बाद तो शादी में लग जाएगी, शादी की तैयारी में, तो और भी उसका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो एकदम जोरों शोरों से ना उसका पढ़ाई चालू है, इसकी वजह से ना बहुत सारा काम रुक रहा है। ये रहा आयंस का घर वाला सेरेलेक्स, जिसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, ना सारे बच्चे को पसंद आता है। गाइस अभी मैं गांव घूम कर आ गई आयाज को लेके गई थी। ए मनीषा रानी, मनीषा रानी बाप रे इतना पढ़ाई कर रही है ना कि क्या ही बोलू। तो इधर आ जाओ, तुम्हारा चेहरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो इधर आ जाओ, इधर लाइट में आ जाओ। अब अच्छी दिख रही है ना, बाल में फूल लगे। तुम ऐसे भी अच्छी है, सबको पता है कि कैसी है। अभी ना एक क्वेश्चन आया था कि मनीषा दीदी के हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो मनीषा बताइए कि उसके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? जॉब इंजीनियर है, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली गुड़गांव में, और ये भी जाके वहीं रहने वाली है। पहले तो सासू माँ के पास रहेगी, फिर हस्बैंड के पास रहेगी, फिर सासू माँ के पास रहेगी, फिर हस्बैंड, इसका अप डाउन आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि इसका हस्बैंड अकेला है भाई में, और अभी इसकी ननद भी है तो उनकी शादी नहीं हुई है, बड़ी ननद का हो गया है और छोटी वाली का भी शादी नहीं हुआ है। चलो ना घूमने कहीं, उधर चलते हैं शाम को, 5 बजे और मम्मी बोली अपना देसी खाना बनाने के लिए, मम्मी का फेवरेट सब्जी बेसन बेसन मंगाना पड़ेगा।
मम्मी का फेवरेट सब्जी आज बनेगा मम्मी के डिमांड पे। वही आजा इधर आजा। क्या हो गया? ऊपर आएगा, इस पे आएगा, सब कोई ऊपर है ना। आ जाओ आ जाओ। अयांश को ना नींद आ रहा है और ये परेशान कर रहा है कि मेरे को सुला दो सुला दो सुला दो। और आप लोग बताइएगा, बहुत टाइम पहले ना क्वेश्चन आया था मनीषा की शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो आप लोग कमेंट करके पहले बताना गेस करके कि मनीषा की शादी लव मैरिज हो रहा है या अरेंज मैरिज। मनीषा क्या है अभी ना, आज के ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, कल के ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मनीषा का एंगेजमेंट मेरा वाला जो ब्लॉग मैंने डाला था ना, बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो मैं वही की शादी के टाइम इसमें शेयर करूंगी। हाँ ना बेटा जी, हाँ ना बेटा जी, हाँ ना बेटा जी, चलो तो नानी देखो तो क्या कर रही है। मामा 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 घर के साफ सफाई में ही लगी रहती है। मम्मी नहाएगी कब? मम्मी ना बाल में कलर लगाई है। फ्रेंड का ये भी कमेंट आया हुआ था कि आपकी मम्मी ना बहुत यंग दिखती है और मेरा शादी का 10 साल हो गया है, तब तो और भी ज्यादा यंग दिखती होगी। हाँ तो मेरा शादी वाला व्लॉग आप लोग देखिएगा, अपलोड किया हुआ है, मम्मी उस टाइम पर और भी ज्यादा यंग दिखती थी। और मेरे पापा तो मम्मी से भी ज्यादा यंग दिखते हैं, क्योंकि पापा ना बहुत मेंटेन करते हैं अपने हेल्थ का, मम्मी नहीं करती है, मम्मी नहीं कर पाती है। सच में लड़कियों से नहीं हो पाता है, लड़के कर लेते हैं। यहाँ पे इतना ज्यादा ये चालू हो गया ना, देखो कैसे चिल्ला रहा है, इसको जाना है नीचे, नीचे जाना है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाता है, सीढ़ी चढ़ के नीचे जाना है इसको। मैं इसके ना इसके इसको ऊपर ध्यान देती हूँ, नहीं तो इसका ना गारंटी नहीं है। देखो कैसे उतर रहा है, नीचे जाएगा नानी के साथ, इसको घूमना है, नानी को देख लिए ना अभी। देखो तो नानी क्या कर रही, नानी झाड़ू लगा रही है। अभी मम्मी को नहाना है, मम्मी को बाल धोना है, मम्मी ने बाल में कलर लगाया था। मम्मी का ना आगे का ना बाल थोड़ा बहुत ना वाइट हो रहा है, तो इसलिए मम्मी जो ब्लैक कलर वाला होता है ना मेहंदी, वो वाला लगाई थी। गिरेगा, इसको देखिए जाना है नीचे, छोड़ दो, ये घुमक्कर घूमेगा खाली। मम्मी इसको ले जा, देख बोल रहा है घूमने के लिए। तो अभी ना हम लोग आ गए हैं स्मार्ट पॉइंट में, और ये मेरे घर से ना बहुत ही नज़दीक है, फटाफट से आ जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगता है यहाँ आने में। तो मुझे मैगी लेना था तो मैगी लिया, और भी छोटे मोटे सामान लेने थे। बॉइल राइस ही है यहाँ पे, ये तो और मोटा वाला है, चीनी 82 रुपीज। एक खीर वाला राइस है ना ये वाला, कौन ये तो बिरयानी है, बिरयानी ये नॉर्मल राइस है, पर यहाँ पे कोलम राइस नहीं मिलता है क्या? यहाँ पे ना स्टीम राइस ज़्यादा मिलता है, बॉइल राइस, स्टीम राइस। देखो सब बॉइल्ड राइस का कितना वैरायटी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना बॉइल्ड राइस ही खाते हैं। ये अलग ही टाइप का गुड़ है ना, अच्छा है ये, यहाँ का गुड़ ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं ना मार्केट गई थी मैगी लेकर आई, और अभी मैं मैगी बनाई हूँ। अभी हम लोगों ने मैगी खाया, अभी चाय बन रहा है, और आज बनने वाला है घर में पम्पकिन के पत्ते की सब्जी, और इसके साथ बनाऊंगी मैं राइस, क्योंकि मुझे राइस अच्छा लगता है, तो इसका सब्जी बनेगा। मम्मी यहाँ पर साफ करके धो के पत्ते को रखती है। क्या बोलिए? अपना सब कुछ चला गया अपना। हाँ मनीषा बोल रही है कि 1 महीना टाइम है मेरे शादी का, जितना प्यार लुटाना है लुटा लो, जितना प्यार देना है दे दो, और साथ में अयांश का भी 1 महीना टाइम है, 1 महीना बाद मनीषा जाएगी, वैसे ही हम मुंबई जाएंगे। मम्मी क्या देख रही है, चलो खाना बनाने।
आए आया चल ना मम्मी खाना बनाए कहाँ चाय बाप ये खत्ती भाग गए ले ओके छटियार हो गई क्या हम ना जब भी देखे बहुत सुंदर पतोहिया है चल देखे चल कौन कौन चली आयान जाएगा आयान सबसे पहले जाएगा अच्छा आयान जाइबा आयान दिलशानी तो दिल आयान दिलशानी भोजपुरी सीख रही है दिलशानी तो सीख ही गई है ना हाँ आधा अधूरा टूटा फूटा भोजपुरी क्या करता था वो क्या आयान आज का वीडियो ना मुझे लगता है ना बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी मैं देखी 30 मिनट से ऊपर का वीडियो बन गया है चलो आयंस को भूख लगा है आयंस सो के उठा ना भूख लगा है मम्मी इमी बैटरी कैसे लगा हुई तेरे अभी तक मेरे घर में ना कितना बज रहा है साथ ही बज रहा है दिन रात हमेशा एनी टाइम साथ ही बजते रहता है चलो चलो टाइम पास नो टाइम पास 7:12 हो गया चल तो पापा को भी खाना खाएगा टेम्पो का लेके जाते हैं हां एक एक दूध पिया देते हैं फिर लेके जाइए फिर भोज के देता भी चले दूसरा दे दो तो आ रहा है रोड़ा आया सभी उसके लिए दूध लेके जाते हैं तो गाइस बेसन दिया गया है बेसन का भी घोल रेडी करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और नमक स्वाद के अनुसार और इसमें कुछ मसाले रखेंगे पाउडर वाला हल्दी पाउडर ये लाल मिर्च का पाउडर है हल्दी पाउडर ये तीखा वाला लाल मिर्च नहीं है कलर के लिए सिर्फ चाहिए थोड़ा और इसमें ना काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार गया ही है और सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालते हैं और उसके बाद पानी डाल के ना इसका घोल तैयार कर लेंगे इसका मसाला तैयार करेंगे सरसों है इसमें लहसुन है लहसुन का छिलका उतार भी सकते हैं नहीं भी उतार सकते हैं और इससे ज़्यादा टेस्टी बनता है इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और अभी इसका इसको पीस लेंगे बाकी जो ड्राई मसाला है ना वो डाला जाएगा पाउडर वाला तो गाइस वो वाला जो मसाला है बना के रेडी किया है वैसे ही पत्ता में लपेट लपेट के फिर उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बाद में फ्राई करेंगे बेसन में डुबोकर जो बेसन का घोल रेडी किया हुआ ना उसमें ये वाला रेसिपी तो मैंने कितनी बार शेयर किया आप लोगों के साथ बहुत सारे फ्रेंड को ना वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होता है तो मैं फिर से रेसिपी शेयर कर रही हूँ अभी ना चावल धो के चढ़ा दिए कौन कौन सा खेल अच्छे से खेलो ना क्या खेलेगी लीची पर के ठाई ठाई खेलो अरे ज्यादा भागना नहीं है इधर उधर एकदम धीरे धीरे भागना है ठीक है भागने वाला खेल मत खेलो डेंगा पानी खेल लो उससे अच्छा इस तरीके से बेसन में लपेट के मनी से इसको फ्राई कर रही है ऐसे घूम के आ गया घूम के गया था छटियार में छटियार देखने गया था यहाँ चावल बन के रेडी है रोटी भी बन गया पापा के लिए भुजिया भी बन गया पर बन गया और बहुत ही गरम गरम काट रहे थे ना तो अच्छे से कट नहीं रहा था इसके लिए छोड़ दिया अभी इसका सब्जी बनेगा ये तो पूरा फ्राई हो गया है ग्रेवी की तैयारी होगी अजवाइन कलौंजी और मेथी इसमें कौन कौन सा मसाला ऐड करेगी इसमें डाल रहा हूं मैं इसमें नमक कैसा था किस में हाँ नमक ठीक था उसमें बस इसमें नमक स्वाद के अनुसार हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और कोई मसाला नहीं जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर बस
आप चाहे तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन गांव में जब भी बनता है ना तो इसमें टमाटर डाल के नहीं बनाया जाता है, लेकिन मैं मुंबई में बनाती हूँ तो टमाटर डाल के बनाती हूँ। मसाला भुन गया था तो अभी पानी इसमें डाल दिया ग्रेवी के लिए। अभी अच्छे से उबाल आ जाएगा ग्रेवी में ना, तो फिर ये सारे पकौड़े को ना डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट तक कुक करूंगी, सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, नहीं तो पूरा सोख लेता है ग्रेवी को और ये बहुत जल्दी पक भी जाता है, ऑलरेडी पका हुआ है ये। सो गाइस, यहाँ पे सब्जी बनके रेडी हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ खाने। रिशानी को मैंने खिला दिया, आयंस के लिए सेरेलेक्स बना दिया है। अभी अभी खाना खा लूंगी, खाना खा के वॉक करूंगी, फिर उसके बाद सोऊंगी। अभी वैसे देखा जाए तो 8 बज रहा है, यहाँ पे जल्दी खाना पीना हो जाता है। आयंस उधर गया मम्मी के पास, आयंस का काजल सेक रही है मम्मी। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा भी आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आने वाले टाइम पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो जो फ्रेंड नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।